सो गाइस कैसे हो, वेलकम टू निक लाइफ। तो आज ब्लॉग है, हम लोग जाने वाले हैं अभी डीवी मॉल, जो कि हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। अभी कभी घूमने का प्लान बन गया, कभी आउट जाने का प्लान बन गया। तो अभी हम लोग का बॉडी वॉडी देख लो थोड़ा, तो अभी थोड़ा वक्त तैयार हो लेते हैं, फिर चलते हैं। अमन भाई जा रहा है, ये देखो। सो हे गाइस, मेरा भी बॉडी देख लीजिए। अरे बाबा, तो ज्यादा ही पाउडर वाउडर चटका लिए रहे, तो थोड़ा बहुत इसको कपड़े से हम लोग पोंछ लिए हैं। तो मैं आई एम पेयरिंग ब्लैक विद दिस शर्ट। अच्छा, आई डोंट नो द नेम। सो पहनते हैं, पेट वेट थोड़ा निकल गया, बल्कि जल रहा है थोड़ा। तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना, ऐसे फिटनेस टिप्स देते रहता हूँ। ठीक है, समझ गया है। तो इंस्टाग्राम में मेरा पूरा ऐसे फिटनेस कॉन्टेंट आते रहता है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक बायो में दे दूंगा मैं। तो सॉरी, बायो में डिस्क्रिप्शन में। So guys, एक मिनट, ज्यादा ही है थोड़ा पीछे। यस, अब देखो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। बाल थोड़ा छोटा छोटा करा के रखा है, इस टाइम कटिंग वटिंग नहीं हुआ है। तो ओवर साइज, ये मेरा 2 साल पुराना, और ये 1 साल पुराना, और ये 3 साल पुराना। मतलब इस साल 2024 में मैंने एक भी कपड़ा ले लिया है, तो इसको भी मोड़ लेते हैं। गाइस, मेरे भी बाल थोड़े छोटे हैं। गाइस के बाल थोड़े थोड़े छोटे हैं, अभी इसको थोड़ा सा और छोटा कराना है। सो यस, आई एम रेडी। यस ब्रो, अभी थोड़ा लगा लेता, ठंडी है बाहर। सो गाइस, रेडी हो चुके हैं। देखो लुक्स, देखो अभी जूते मेरे पास पेयर करने के लिए एक ही जूता है, काला काला, जो कि मैं यूनिवर्सल यूज करता हूँ, कॉलेज में, बाहर घूमने, रनिंग, जिम, एवरीवेयर। सो गाइस, ये जूता पहन लिया, थोड़ा पोंछ लिया जाए, पता नहीं कितने दिन बाद पहन रहा हूँ ये। सो दिस इज होल आउटफिट। ये हमारे शहर का विकास क्षेत्र, काफी विकास हो चुका है। ये बन रहा है मेट्रो स्टेशन, जस्ट डीवी मॉल। तो गाइस, ये रहा डीवी मॉल। अमन छपरी बॉय, अमन सी देयर हेयर ग्रो सीरम। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग डीवी मॉल। काफी आज भीड़ होगा, संडे है क्योंकि, तो ब्लॉगिंग छूटना नहीं चाहिए। कार वार काफी जा रहे हैं इधर, है ना। 99 का बर्गर ये खा सकते हैं, हमारी हैसियत इतनी ही है अमन के जैसे प्रवेश करने वाले हैं। अमन मेल वाले रास्ते से आ गया, गलत रास्ते से आ गया है। फीमेल तू गलत रास्ते से आ गया है, तू मेल वाले से गलत रास्ते से आ गया है भाई, गजब बेइज्जती है। भाई गेम दिखा रहा हूँ, गेम को भी देख लेना एक बार, बच्चे को देख लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस, 300 रुपये का ऑर्डर कर करके आखिर आया अमन को। मशीन पहली बार चला रहे थे तो गड़बड़ हो गया, है ना, इतना ज़्यादा छू दिएगा भाई, काफ़ी अखर रहा है 300 रुपये दे के। 99 खाने आने वाले थे, चलो कोई नहीं, अब तो हो गया जो होना था।
भाई अमन को सदमा लगते हुए भारी मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया अमन वाला डायलॉग मन चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, हमारे से रिलेट करके थोड़ा सा बना के मारना भाई, पहले वो वाला डायलॉग बता फिर मैं जोड़ता हूँ। है चीप पीपल कांट अफोर्ड इट स्टार्टिंग से। हाँ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज इन वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, मैं बोलता हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन वर्ल्ड इज डोनल का बर्गर, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मैकडोनल्ड का बर्गर। तो दोस्तों हम लोग मैकडोनल्ड का बर्गर खा के आए हैं गाइस, मैकडोनल्ड का बर्गर खा के आए, 302 रुपए के 99 के खाने वाले थे तो 302 का हो गया, बाहर ही मिस्टेक हो गया, काफी अखर रहा है अमन को। देखो देखो भाई ये देख के गए थे बेकार है भैया, मैं तो टूट गया खड़े हो तो बैर ओकर 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 पार्सल भी दिखा दे। बस बस गाड़ी चाहिए भाई अमन, इतना महंगा जब ऑर्डर तो कर लिया, जब खाने के टाइम बोलता है आप नहीं पचेगा, ये ज़्यादा ही हो गया 300 रुपया नहीं पचेगा, पूरा टाइम सोचते रहे कि खाते खाते रात भर ना पची। हो गया सदमा खत्म, अब तो हो गया जो होना था भाई। तो गाइस 300 रुपये का अमन को झटका लग चुका है, अब जो है ढूंढ रहे हैं ऑटो, है ना, ऑटो ऑटो पता करो भाई, क्वालिटी को ठीक ठीक आ रहा है कैमरे का, ऐसे तो पकड़ना उसको दिखाना। ओ भाई अब यहाँ ऑटो भी नहीं है गाइस। तो गाइस इतना महंगा खाने के बाद अभी थोड़ा अमीरी टाइप फील हो रहा है, अमन बोल रहा है कि इतना महंगा खाने के बाद भी लड़की नहीं पटी। हाँ हलवाई क्या गाइस, ये लड़की हो के लड़का पकड़ के घूम रहा है। So guys, आ चुके हैं फाइनली घर पर, काफी खर्चा हो गया है, पूरे 350 रुपए खर्च हो गए हैं। 99 वाला बाहर बैनर लगा था, वो देख के खाने गए थे कि चलो 99 था और खा लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और 4-5 लोग लाइन में लगे हुए थे भाई। ये 300 रुपया का है, 300 रुपया का जिंदगी में आज तक 300 रुपया खाए कुछ इकट्ठा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि काफी करीब है 500 सब्सक्राइबर्स के हम लोग। सो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।